अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ? अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा। कट जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। मजनू ने